जीरो टू हीरो के इस ट्यूटोरियल वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि सीसीआई इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है और सीसीआई इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। ये इंडिकेटर दोस्तों बहुत आसान इंडिकेटर है, खास करके जो स्टॉक मार्केट के बिगनर्स हैं उन्हें आरएसआई और एमएससीडी को यूज करने में अगर परेशानी हो रही है तो शायद ये इंडिकेटर उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया है। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। चलिए दोस्तों सीसीआई इंडिकेटर के बारे में सीखते हैं। पहले समझते हैं कि सीसीआई इंडिकेटर हम किसे बोलते हैं। तो दोस्तों सीसीआई जो वर्ड है उसका फुल फॉर्म है कमोडिटी चैनल इंडेक्स इंडिकेटर। अब दोस्तों बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो सोच रहे होंगे ये तो कमोडिटी से रिलेटेड इंडेक्स है। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा कतई नहीं है, इसका नाम कमोडिटी चैनल इंडेक्स है और वो क्यों है थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम कमोडिटी चैनल इंडेक्स क्यों है। लेकिन इसे इस्तेमाल आप स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, फॉरेक्स में, बॉन्ड मार्केट में, किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे शॉर्ट में हम सीसीआई इंडिकेटर बोलते हैं और ये कमोडिटी चैनल इंडिकेटर जो है एक मोमेंटम इंडिकेटर है, जैसे आरएसआई है, मैकडी है, फोर्स इंडेक्स है, बहुत सारे स्टोकास्टिक है, उसी तरीके से ये भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है ओवरबॉट कंडीशन एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस को पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा और भी इस्तेमाल है जिसको हम आज सीखेंगे। सीसीआई जो है दोस्तों किसी भी मार्केट में इस्तेमाल किया जा सकता है, केवल नाम इसका कमोडिटी है, इससे जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं उन्हें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। खुशखबरी यह है कि किसी भी मार्केट में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सीसीआई इंडिकेटर के अगर इतिहास को देखें, हिस्ट्री को देखें, तो इसको डेवलप किया है डोनाल्ड लैम्बर्ट ने, जो एक बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट थे दोस्तों। और जब ये डेवलपमेंट के बाद में ये पहली बार जो पब्लिश हुआ वो कमोडिटी की मैगजीन में पब्लिश हुआ 1980 में पब्लिश हुआ दोस्तों। और इसी कारण से सिंस ये कमोडिटीज मैगजीन में पब्लिश हुआ इसी कारण से इसे कमोडिटी चैनल इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। जितने भी स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स है दोस्तों उन्हें मैं स्ट्रॉन्ग संदेश देना चाहूंगा और वो मैसेज ये है दोस्तों कि जब हम किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के एलिमेंट्स को समझने की चेष्टा करते हैं तो उस वक्त पे हमें हमेशा दिमाग में ये रखना है कि इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अगर किसी इंडिकेटर के बारे में समझ रहे हैं तो अगर हम जिसने डेवलप किया है उसने किस उद्देश्य के लिए, किस पर्पस के लिए डेवलप किया है, अगर इसे समझ पाएंगे तो हम उस इंडिकेटर के बारे में बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और कॉन्सेप्ट बेहतर होंगे तो उसे अप्लाई हम बेहतर तरीके से करके एक सफलतम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिजाइन करने में सफलता की दिशा में अपने कदम को बढ़ा पाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं सीसीआई इंडिकेटर का पर्पस क्या है, वो किस चीज को मेजर करने के लिए उसका डिजाइन लैम्बर्ट जी ने किया है। तो ये मेजर करता है डिफरेंस जो करंट मार्केट प्राइस है और हिस्टोरिकल प्राइस का जो एवरेज है उसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करता है। अब सीसीआई अगर बेंचमार्क जीरो लेवल के ऊपर है, इसका तात्पर्य क्या है, हिस्टोरिकल एवरेज से करंट मार्केट प्राइस ऊपर ट्रेड हो रही है, और अगर वो जीरो के नीचे है तो हिस्टोरिकल एवरेज से वो करंट मार्केट प्राइस जो है वो नीचे ट्रेड हो रही है। अब दोस्तों आरएसआई या स्टोकास्टिक को अगर याद करेंगे तो जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल वीडियो में आपने अगर उसे देखा है तो आपको याद होगा कि आरएसआई और स्टोकास्टिक जो है वो कहीं ना कहीं उनकी रेंज डिफाइंड है, वो ऑसिलेट जो करते हैं वो जीरो से हंड्रेड के बीच में करते हैं। सीसीआई इंडिकेटर भी
एक ऑसिलेटर है, लेकिन इसकी कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं होती है। ये कितना भी ऊपर जा सकता है जीरो के, कितना भी नीचे जीरो के जा सकता है। और यही कारण है कि जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन का महत्व समझना होगा, पर्पस समझना होगा, और तब जाके इंडिविजुअल स्टॉक या इंडिविजुअल इंडेक्स या इंडिविजुअल कम्युनिटी या इंडिविजुअल फॉरेक्स के बीच में जब हम इसको स्टडी करते हैं तो उस समय पे उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की हिस्टोरिकल प्राइस में सीसीआई ने कैसे बिहेव किया है उसे समझना होगा, सीसीआई के लेवल्स क्या रहे हैं उसे समझना होगा। अब समझते हैं दोस्तों कि सीसीआई की वैल्यू कहां से डिराइव होती है और डिराइव करने की वो मेथडोलॉजी क्या है। वैसे तो दोस्तों आज के मॉडर्न जमाने में सारा कुछ सॉफ्टवेयर उपलब्ध है तो वो ऑटोमेटिकली प्राइस एक्शन के अनुसार वो वैल्यू निकलती रहती है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वो निकल कैसे रही है वैल्यू, तो हम बेहतर पोजीशन में होते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के और उसके महत्व को समझने में। तो दोस्तों सीसीआई की वैल्यू जो डिराइव होती है, टिपिकल प्राइस माइनस मूविंग एवरेज डिवाइडेड बाय 0.015 मल्टीप्लाइड बाय मीन डेविएशन। अब टिपिकल प्राइस जो है इसमें प्राइस के तीन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी जानते हैं कैंडल में फोर एलिमेंट्स होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। बट ये तीन वैल्यू को इस्तेमाल करता है, हाई, लो एंड क्लोज, और उसका एवरेज निकालता है। वो एवरेज कैसे दोस्तों, समेशन करता है उसका। तो पी का मतलब हुआ कितने पीरियड का आपने कंसीडर किया है। तो अगर आप 20 पीरियड का दे रहे हैं तो ये 20 पीरियड का वो समेशन करेगा और उसे वो डिवाइड करेगा। अब दोस्तों मूविंग एवरेज जो है, ये टिपिकल जो प्राइस निकलेगी इसका मूविंग एवरेज प्लॉट किया जाता है, और टिपिकल प्राइस और मूविंग एवरेज का डिफरेंस जो है वो न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे दोस्तों, डिनोमिनेटर क्या है, 0.015 एक फैक्टर को यूज किया है लैम्बर्ट में। ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये फैक्टर क्यों इस्तेमाल किया गया, इसे उसने जो डिजाइन किया फॉर्मूला में उसे कैलिब्रेट किया, उसने लैम्बर्ट में ये कांस्टेंट को यूज किया ताकि मेजॉरिटी ऑफ सीसीआई की वैल्यू 70-80% वैल्यू सीसीआई की -100 और +100 के रेंज में फॉल करनी चाहिए। और यही आपको मौका देता है समझने का कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के लिए ये कांस्टेंट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। अब दोस्तों सीसीआई इंडिकेटर जो है वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है, ऑसिलेटर है। तो जिस तरह से हम आरएसआई, मैकडी या दोस्तों हम स्टोकास्टिक के ऊपर में डायवर्जेंस को चेक करते हैं, उसी तरीके से मोमेंटम इंडिकेटर होने के कारण हम डायवर्जेंस यहां पर भी देख सकते हैं। डायवर्जेंस क्या है दोस्तों, प्राइस किसी दिशा में मूव कर रही है और इंडिकेटर अपोजिट दिशा में मूव कर रहा है, तो दोनों में मिसमैच है। मार्कअप फेज में अगर ऐसा होता है तो दोस्तों वो एक वीकनेस को इंडिकेट करता है, जहां पर एक रिवर्सल, प्राइस रिवर्सल की संभावना को समझा जा सकता है। अब समझते हैं दोस्तों कि सीसीआई इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों ये बेसिक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम प्राइस चार्ट पर चलेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाने की कोशिश करूंगा। इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। जब हम उसे प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये एक इंडिकेटर है दोस्तों जो डेरिवेटिव है प्राइस का, तो इसीलिए स्टैंड अलोन बेसिस पे इसे इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। हमें जब प्राइस एक्शन के साथ में कंबाइन करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आने की संभावना होती है। अब प्राइस एक्शन को मार्कअप फेज में कैसे कंबाइन करेंगे ताकि हम लॉन्ग ट्रेड ले सकें, और प्राइस एक्शन को मार्कडाउन फेज में कैसे कंबाइन करेंगे ताकि शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को तलाश सकें। तो मार्कअप फेज में दोस्तों है बाई करने का सिग्नल माना जाता है जब सीसीआई -100 के नीचे चला जाए और उसके बाद वापस मूव करके
100 के माइनस 100 के ऊपर चला जाए। और प्राइस एक्शन में अगर हमें कोई कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इंडिकेट करता है। सिमिलरली दोस्तों मार्कडाउन फेज में है, मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए अब इस ट्रेड प्राइस चार्ट पर चलते हैं और एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सीसीआई इंडिकेटर को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके हम मार्केट में तलाश सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि सीसीआई जो इंडिकेटर है उसको सेलेक्ट करने के बाद क्या सेटिंग्स करनी है। मैं वो सेटिंग्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मैं इस्तेमाल करता हूं। वैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के अनुसार। अगर जो भी आज ट्यूटोरियल में हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं आपको लगता है कि इसे मॉडिफाई किया जा सकता है, ऑफ कोर्स किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। यहां देखिए स्टाइल में दोस्तों अपर बैंड मैंने सेट किया है 100 के लेवल पे और लोअर बैंड को सेट किया है माइनस 100 के लेवल पे। अब यहां पर मैं इनपुट्स में जाऊंगा तो इनपुट्स में देखिए लेंथ जो है जो पीरियड फॉर्मूला में दिया गया है जिसको समेशन करके हम टिपिकल प्राइस को कैलकुलेट करते हैं वो मैंने लेंथ 21 पीरियड सेलेक्ट की है। और सोर्स में जो स्टैंडर्ड है जो मिस्टर लैम्बर्ट ने डेवलप करते समय बताया था कि हाई लो एंड क्लोज का एवरेज मैंने उसे सेलेक्ट किया है। आप चाहें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप ओपनिंग को भी शामिल कर सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हैं। तो मैंने तो स्टैंडर्ड जो मिस्टर लैम्बर्ट ने दिया है उसे ही सेलेक्ट किया है। तो ये सिलेक्शन हो गया दोस्तों। अब देखिए ये सीसीआई इंडिकेटर ऐसे दिख रहा है, ये हो गया 100 का बैंड, ये हो गया माइनस 100 का बैंड। मींस जब भी ये ऑसिलेट करके 100 के नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा और जब 100 के ऊपर जाएगा तो प्लस में रहेगा। और ये रेंज के दिन में माइनस 100 से प्लस 100 के रेंज में रहेगा। अब देखिए दोस्तों प्राइस चार्ट को देखते हैं, ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। इस जगह पे देखिए प्राइस में जब करेक्शन हुआ तो प्राइस में ऑसिलेशन करके सीसीआई इंडिकेटर माइनस में आ गया। अब यहां पे माइनस में आने के बाद इस जगह पे देखिए माइनस के बाद ये एंटर करता है माइनस 100 के ऊपर इस जगह पे। अब यहां पर हमें देखना है कॉन्फ्लुएंस का कुछ मिल रहा है तो यहां दोस्तों मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखिए प्राइस ने यहां पर गैप डाउन ओपनिंग की और एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन किया, फिर उसके बाद एक और स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन किया। तो ये दोनों कैंडल को अगर सिंथेसाइज कर देंगे तो इस कैंडल के रिस्पेक्ट में ये गैप डाउन कैंडल हो जाएगी और एक मिनी कैंडल बन जाएगी। और इसके बाद ये वाली कैंडल आप देखिए बुलिश कैंडल गैप अप ओपन होती है। तो अगर ये चार कैंडल को हम सिंथेसाइज कर दें, ब्लेंड कर दें, जिसे आपको जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल वीडियो में सिखाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉर्निंग स्टार हो जाएगा। और मॉर्निंग स्टार कहां बन रहा है, ईएमए 21 ईएमए 55 के पास में बन रहा है। तो यहां पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सीसीआई माइनस 100 के नीचे आके फिर से माइनस 100 के ऊपर चला गया और यहां पर हमें कॉन्फ्लुएंस मिला, प्राइस सपोर्ट ले रही है, मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन है। तो ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर में हम बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं और यहां पर जो स्विंग लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है। क्या देखिए अनदर अपॉर्चुनिटी मिली, तो यहां देखिए फिर से सीसीआई माइनस 100 में गया और यहां 100 के ऊपर में गया। तो चलिए आप प्राइस को समझते हैं, यहां पर देखिए क्या हुआ, माइनस 100 में जो ये प्राइस आई तो इस जगह पे देखिए प्राइस का माइनस, यहां पर हमें क्या कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं, इस जगह पे आपको मल्टीपल प्राइस का सपोर्ट है, मल्टीपल प्राइस का सपोर्ट है। और इस जगह पे अगर एनलार्ज करके देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन बना जो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बनती है और सीसीआई जो है वो माइनस 100 से फिर से 100 माइनस 100 के ऊपर चला जाता है। तो फिर इस जगह पे एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है, देखिए प्राइस बहुत ऊपर गई। क्या यहां पर देखिए फिर इस जगह पे आप इधर राइट में फिगर में
देखेंगे तो ये फिर से माइनस 108 पे आया और यहां पर आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिली, तो यहां पे देखिए प्राइस ने सपोर्ट लिया है EMA 55 के बाद और उसके बाद एक पियर्सिंग कैंडल का फॉर्मेशन है, तो यहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली, प्राइस ऊपर चली गई। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि बहुत सिंपल इंडिकेटर है, अगर उसे प्राइस एक्शन के साथ हम कन्फ्लुएंस चेक करने में इस्तेमाल करें, ये एक फोर्थ कन्फ्लुएंस या फिफ्थ कन्फ्लुएंस के रूप में बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो फॉर्मुलेट करेंगे उसमें विनिंग रेट काफी इंप्रूव हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो CCI इंडिकेटर के ऊपर में पसंद आया है तो ढेर सारे लाइक कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।